नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बात पर्यटन की हो तो बिहार के नालंदा जिले में स्थित राजगीर आज नंबर वन टूरिस्ट स्पॉट बना हुआ है। धर्मों का साल अगर देखना हो तो राजगीर की धरती से सुंदर कोई स्थान नहीं है, क्योंकि राजगीर की धरती ने अपने साथ अनेक विविधताओं को समेटा हुआ है। राजगीर या कहे राजगृह का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व भी काफी अहम है। ऐसे में हम आज के हमारे इस वीडियो में आपको राजगीर में मौजूद पर्यटन स्थलों के बारे में बताने वाले हैं, जिससे कि अगर आप भी कभी राजगीर भ्रमण के लिए आते हैं तो आप इन जगहों पर जरूर घूम सकते हैं। इसमें पहला स्थान है ग्लास ब्रिज। बिहार का पहला ग्लास ब्रिज बनकर तैयार हो चुका है। शीशे का ये ब्रिज इतना शानदार है कि कोई भी इसे देखता रह जाए। यही वजह भी है कि इस ब्रिज की पूरे देश में चर्चा है। इस ब्रिज के बन जाने के साथ ही ये ब्रिज पर्यटकों के बीच में काफी मशहूर हो गया है। इस ग्लास ब्रिज पर घूमने के लिए टिकट की कीमत 150 रुपए है। अगला है नेचर सफारी। बिहार के राजगीर में स्थित ये नेचर सफारी 500 हेक्टेयर में फैला हुआ है। इस नेचर सफारी का निर्माण लगभग 20 करोड़ रुपए खर्च करके किया गया है। यहाँ पर आपको जंगली जानवर खुले में विचरण करते दिखेंगे, जिसका आनंद लेने के लिए ही अब देश से लेकर विदेश तक घूमने आ रहे हैं। हालांकि ध्यान रहे कि इसके लिए आपको टिकट देना पड़ेगा, जिसकी बुकिंग आप ऑनलाइन माध्यम से razgirzoosafari.in पर जाकर बुक कर सकते हैं। आपको जू सफारी का आनंद लेने के लिए लगभग 250 रुपए का पेमेंट करना पड़ेगा। अब अगला है जापानी स्तूप, जिसे हम और आप विश्व शांति स्तूप के नाम से भी जानते हैं। विश्व शांति स्तूप 400 मीटर ऊंची रत्नागिरी पहाड़ी पर स्थित है। ये स्तूप संगमरमर के पत्थरों से निर्मित है और स्तूप के चार कोनों में बुद्ध की चार आकर्षक मूर्तियां हैं, जो इस स्तूप को और भी मनमोहक बनाती है। इस पहाड़ी की चोटी तक पहुंचने के लिए रोपवे का मजा लेकर जा सकते हैं या फिर आप पैदल भी जा सकते हैं, जो इस सफर को और भी रोमांचक बनाता है। इस स्थान की नैसर्गिक और प्राकृतिक सुंदरता इस जगह को बेहद खूबसूरत बनाती है। अब इसी कड़ी में अगला है राजगीर का रोपवे। पर्यटन नगरी का विश्व प्रसिद्ध आकाशीय रज्जू मार्ग यानी कि रोपवे पर्यटकों के लिए आकर्षक का केंद्र है, क्योंकि यहाँ रोपवे के सहारे ऊंची पहाड़ी पर जाने का काम किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले आपको नीचे टिकट काउंटर से 80 रुपए का टिकट लेना पड़ेगा। खास बात यह है कि टिकट की यह कीमत सिंगल सीटर और 8 सीटर दोनों ही रोपवे के लिए सेम है। अगला है ब्रह्मकुंड, या फिर इसे हम गर्म पानी का कुंड भी कह सकते हैं। बिहार के राजगीर में स्थित ये कुंड एक अति प्राचीन कुंड है। मौका मकर संक्रांति का हो तो इस कुंड में डुबकी लगाने श्रद्धालुओं की भीड़ हर साल पहुंचती है। ऐसी मान्यता है कि इस कुंड का निर्माण ब्रह्मा ने करवाया था। हर दिन इस कुंड का तापमान लगभग 45 डिग्री सेल्सियस रहता है। मान्यताएं तो ये भी है कि यहाँ पर पानी सीधा सप्तकर्णी गुफाओं से आता है। अगला है घोड़ा कटोरा। घोड़ा कटोरा झील मीठे एवं वर्षा जल से भरी राजगीर के पास स्थित है। ये झील अब पर्यटक स्थल के रूप में जानी जाती है। कालांतर में ये पक्षी विहार का रूप ले चुका है। इस जगह पर आपको भगवान बुद्ध की विशालकाय प्रतिमा मिलेगी, जो इस झील की शोभा बढ़ाने का काम करती है। घोड़ा कटोरा जाने के लिए आपको ई रिक्शा का सहारा लेना पड़ेगा। एंट्री पर आपको 10 रुपए एंट्री टिकट लेनी होगी। वहीं जो ई रिक्शा आप लेंगे उसके लिए आपको 100 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से देना होगा। उसके बाद अगर आप नौका विहार करना चाहते हैं तो आपको 40 रुपए प्रति व्यक्ति देना होगा। ध्यान रहे, अगर आप घोड़ा कटोरा जाने की सोच रहे हैं तो आप सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक जा सकते हैं। अगर आप घूमने का प्लान बना रहे हैं तो अक्टूबर से मार्च महीने के बीच का समय चुने। अगला है पांडु पोखर। राजगीर का पांडु पोखर 22 एकड़ जमीन में फैला हुआ है। यहाँ पर बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक के लिए काफी एडवेंचरस एक्टिविटीज की भरमार है। यहाँ आने वाले सैलानियों को ट्रैम्पोलिन, बाउंसी, बुल राइड, फुटबॉल, इंडोर बास्केटबॉल, सेल्फी पॉइंट, चिल्ड्रंस प्ले जोन, क्रिकेट, हॉर्स किडिंग, शूटिंग, टेबल सॉकर, कैरम, जिप लाइन, बंजी जंपिंग, बोटिंग, एयर हॉकी, पूल टेबल, बर्मा ब्रिज, डार्ट बोर्ड, चेज, वहीं कुछ स्पेशल एक्टिविटीज भी है, जिसमें हॉर्स राइडिंग, जॉर्बिंग, प्राइवेट बोटिंग, डबल पैडल, साइकिल का मजा लेने का मौका मिलेगा। यहाँ टिकट के दाम 100 रुपए से शुरू होकर 900 रुपए तक जाते हैं। अगला है सोन भंडार। पौराणिक कथाओं के अनुसार मौर्य शासक बिंबिसार ने अपने शासनकाल में राजगीर में एक बड़े पहाड़ को काटकर अपने खजाने को छुपाने के लिए गुफा बनाई थी।
कहा जाता है कि अब भी इस पर्वत की गुफा के अंदर अतुल मात्रा में सोना छुपा है और पत्थर के दरवाजे पर उसे खोलने का रहस्य भी किसी गुप्त भाषा में खोदा हुआ है। वो किसी और भाषा में नहीं बल्कि शंख लिपि है और वो लिपि बिंदुसार के शासनकाल में चला करती थी। कहा जाता है कि यह खजाना मौर्य शासक बिंबिसार का है। हालांकि कुछ लोग इसे पूर्व मगध सम्राट जरासंघ का भी बताते हैं। अब अगला है राजगीर साइक्लोपियन वॉल। मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह की सुरक्षा के लिए दुनिया की सबसे विशाल दीवार बनाई गई थी। इसकी लंबाई 45 से 48 किलोमीटर है, जो पंच पहाड़ियों पर मौजूद है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम ने दीवार का अवलोकन किया। इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल कराने के लिए टीम आवश्यक दस्तावेज तैयार करेगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि राजगीर का प्राचीन शहर राजा बिंबिसार और उनके पुत्र अजातशत्रु की राजधानी थी, जो बुद्ध के समकालीन थे। शहर के चारों ओर एक किलाबंद दीवार के निशान पाए जाते हैं। इस दीवार को बड़े पैमाने पर अवांछित पत्थरों के साथ बनाया गया था। अब सवाल ये है कि आप यहाँ पर जाएंगे कैसे? तो ये थे राजगीर के कुछ मशहूर पर्यटन स्थल, जहाँ पर आप जाकर राजगीर की छुट्टियाँ मना सकते हैं। अब सवाल ये है कि आप यहाँ जाएंगे कैसे? सबसे नजदीकी एयरपोर्ट पटना से 107 किलोमीटर। बाय रेल बात करें तो पटना और दिल्ली से आपको कई ट्रेन राजगीर के लिए मिल जाएंगी। बाय रोड पटना, गया, दिल्ली और कोलकाता से आपको राजगीर के लिए आसानी से बसें मिल जाएंगी। राजगीर के लिए कई टैक्सी और एसी बसों का परिचालन भी होता है, जिसके माध्यम से अब आसानी से आप राजगीर पहुंच सकते हैं और पर्यटन का लुत्फ उठा सकते हैं। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।